दोस्तों, अगर आपके पास है Realme C51 मोबाइल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल में चार तरीके से स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। अगर आपके पास Realme C53 है या Realme Narzo N53 है तब भी इस वीडियो को देख सकते हो। तीनों मोबाइल में सेम ही प्रोसेस रहेगा चार तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का। तो कैसे आप लोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है, पावर बटन, वॉल्यूम की नीचे वाली बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा, जैसे सभी लोग स्क्रीनशॉट इस मोबाइल में लेते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरे तरीके से आप थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थ्री फिंगर ऊपर से स्लाइड करी नीचे की तरफ, स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए क्लिक हो चुका है। तो ये दो तरीके हो गए। अब मैं आपको बता दूं क्रॉप स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाएगा। तो क्रॉप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको थ्री फिंगर यूज करना है। स्क्रीन पे रखने के बाद नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिला, इस पर आप क्लिक करेंगे। जितना भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा इस मोड में। तो अब चौथा स्क्रीनशॉट कौन सा है? ये दोस्तों लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो कोई ऐसी जगह ओपन कर लीजिए जिससे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो मैंने सेटिंग ओपन किया, थ्री फिंगर लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जितना दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते उतना दोस्तों इस प्रकार से आप ले लीजिए। तो मैं इतना स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है, इतने पर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ सेव का ऑप्शन आ रहा, सेव के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है गैलरी में। तो इस प्रकार से आप दोस्तों जो है इस मोबाइल में लॉन्ग स्क्रीनशॉट, क्रॉप स्क्रीनशॉट, थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट और नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें।